अगर मक्का मदीना में अगर हाथ लगा रहे हो हिंदू कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, जब हम गलत मानने की उनका, जब उनकी भूमि नहीं है वहाँ, उनकी मक्का मदीना है, अगर उसमें हाथ हिंदू लगा रहे हो तो हम उसके खिलाफ रहेंगे। वो नक्शे को फाड़ा है तो इसके लिए उन्हें मतलब जितनी कठोर सजा हो सके उतनी कठोर सजा दी सके। राजीव जानन में इंसानियत खत्म हो गई है, उनमें इंसानियत नहीं रह गई है, उनमें पूरी तरीके से समझिए कि वो हिंदू हैं ही नहीं। इंसानियत उसमें होगा तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि राम मंदिर का जो आखिरी समय था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 40 दिनों की सुनवाई होने के बाद वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम पक्ष के जो राजीव धवन है वकील, वो बौखला गए और 1810 सन का जो अयोध्या का मैप था उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाड़ दिया। तो क्या लगता है सर, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैप फाड़ा है वो कितना सही था? बहुत बड़ा अपराध है ये, उसका फाड़ना बहुत बड़ी अपराध है, इससे बढ़ के कोई अपराध नहीं है। दूसरा यह है कि ये देखो कि सबसे पहले यहाँ हिंदू ही तो थे, आके बाहर के मुसलमानों के द्वारा ही तो यहाँ मुसलमान बनाए गए थे। शुरू से यहाँ मतलब हिंदू ही तो है थे, बाद में हिंदुओं के तो मुसलमान बने हैं। और दूसरा ये रहा है कि ये बताओ कि आप अयोध्या में ही राम का जन्म हुआ है, वहां नहीं हुआ है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब अयोध्या का ये सबको पता है कि अयोध्या की जन्मभूमि राम की है, वहाँ ये तो नहीं हुआ कि वहाँ भाई मुस्लिम का जो जन्म हुआ वो तो नहीं हुआ वहाँ का, तो उनका तो मक्का मदीना है। बिल्कुल बिल्कुल, जन्म स्थान मक्का मदीना है मुसलमानों का, तो जब हर जगह उनका कैसे हो जाएगा? ये मेन तो ये आप देखने की बात होती है। अगर मक्का मदीना में अगर हाथ लगा रहे हो हिंदू कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, जब हम गलत मानने की उनका, गलत नहीं कर रहा हूं मैं बात, जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो झीज है उसको इतना तो दिमाग होना चाहिए कि भाई अगर मक्का मदीना के लिए राम की अगर भूमि बनाना चाहे तो गलत है, लेकिन मतलब राम की जहां जन्मभूमि है वहां अगर जे भाई मुसलमानों को बोलना गलत है, सबसे बड़ा गलत मानता हूं मैं ये। सबको पता है कि राम की जन्मभूमि है अयोध्या, अगर दूसरी जगह अगर किसी वार्ता चलती हो तो हम गलत मानेंगे। अच्छा एक बात जानना चाहूंगा, मौलवी हैं एक कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है मस्जिद बनाने का तो हिंदू क्यों नहीं आगे आते कि मस्जिद बनाने तो के लिए हम देते हैं? हाँ आप वहाँ बनाओ ना जहाँ इसका जन्म हुआ है, जैसे अल्लाह का जन्म जहाँ हुआ वहाँ बनाओ आप, हम साथ में हाँ मक्का मदीना में बनाओ जहाँ इसका जन्म स्थान है। अब आपने कहीं सुना है कि अल्लाह का जन्म स्थान अयोध्या में था? किसी से सुना है? सुना हो तो बताओ मैंने। जो हकीकत है वो कहते हैं हमें, इसके अंदर न्याय करने में इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। ये तो सबसे बड़ी दिमाग की बातें हैं, न्याय ले के पास दिमाग कहाँ है? नहीं तो अब कभी फैसला आ जाना चाहिए था इस चीज का। अब कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष जो उन्होंने मान ली है हार, और वही हार की बौखलाहट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिखाई दी, उन्होंने मैप फाड़ दिया, तो सीधा ही कहते हैं कि भाई क्या बोले जो सुप्रीम कोर्ट का माने कि उनको पता है कि भाई राम की जन्मभूमि है इसलिए वो ऐसे बोलते हैं। जैसे एक बार दो लेडीजों के अंदर लड़ाई होगी थी, एक लेडीज का लड़का था तो दोनों में लड़ाई होगी, जिसका लड़का था नहीं उनको भी जो नहीं था उसको भी उनको बोला कि लड़के को मारा जाएगा, तो जिसका लड़का था वो बोली कि भाई इसको मारो मत, जिंदा रहने दो चाहे इसको ही दे दो कोई हार नहीं है, मारो मत। तो जो सही और थी वो नहीं चाहती कि भाई मेरा लड़का मर जाए, तो ये दिमाग लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि भाई किसका ये जगह है। अच्छा एक बात जानना चाहूंगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने आखिरी दिन में आके हलगनामा दिया है अपना केस वापस लेने के लिए, तो तब से क्या सोए हुए थे? हाँ तो यही है, न्यू कहते हैं ना क्या बोले इसे आप सिर्फ समझौता कर लेना चाहिए। अरे समझौता करने में इतना टाइम लगता है भाई, तुम्हारे को पता है कि भाई आराम से जिसकी जगह है उसको बनने दे, क्यों मतलब ऐसा मतलब बयान करने की जरूरत ही नहीं थी, अच्छा प्यार अपना आप रहता, ये बात पहले कर लेनी चाहिए थी, अच्छा भला प्यार बना रहे। आपसरी में समझौते से काम कभी कर लेना चाहिए था, जब उनकी भूमि नहीं है वहाँ, उनकी मक्का मदीना है, अगर उसमें आठ हिंदू लगा रहे हो तो हम उसके खिलाफ रहेंगे। अगर मक्का मदीना के खिलाफ अगर हिंदू बोलता तो हम भी उसके खिलाफ है। अच्छा कुछ लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि ना तो बाबरी मस्जिद बने ना राम मंदिर बने, वहाँ पे कुछ संस्थान बना दिया जाए या हॉस्पिटल बना दिया जाए। ऐसा है कि सब अपनी अपनी जगह होना जरूरी होता है। हाँ। अगर माँ की जगह अगर बाप को लिया है तो ये जचेगी ये बात? अगर बाप की जगह माँ को कर दिया जाए तो संभव हो जाएगा क्या? सब अपनी अपनी जगह जरूरी होता है, हॉस्पिटल की जगह बनाओ। राम की जन्मभूमि है तो वहाँ राम जन्मभूमि सही लगेगी, मंदिर ठीक नहीं लगता चाहे कोई भी जगह हो किसी का जन्म स्थान है। राम जो है वो आपका 100 करोड़ लोगों की आस्था है, और 100 करोड़ लोगों की आस्था को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेने वाला है? तो ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि 100 करोड़ की जो आस्था है वो काम तो संभव है, होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। भाई आराम से हो जाए तो बहुत अच्छा है, प्यार से हो तो अच्छा है, नहीं तो प्यार से भी हो जाता है।
जिसकी मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ है उसका काम तो कहीं रुकता नहीं है, बिल्कुल, चाहे कोई भी हो देश। परसेंट मान लेते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे बाबरी मस्जिद के लिए, तो क्या लगता है कि 100 करोड़ हिंदू हैं वो क्या चाहेंगे? वो तो बिल्कुल मंदिर चाहेंगे, कभी नहीं बनने देंगे ये चीज, क्योंकि गलत तो गलत है। अगर मक्का मदीना में अगर बनाना चाहे तो कोई मना नहीं कर सकता, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर कोई मना कर दे तो। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं? नहीं, हम तो यही सोचते हैं कि वहाँ पे 100% मंदिर बननी चाहिए, और जैसा कि उन्होंने इस मतलब वो नक्शे को फाड़ा है, तो इसके लिए उन्हें मतलब जितनी कठोर सजा हो सके उतनी कठोर सजा दी जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पे बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है, देश विदेश में भी उसकी लाइव रहती है, तो फिर इससे पता चलेगा कि भारत की जो लोकतंत्र है उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। तो संविधान का भी एक बार अपमान किया गया, बिल्कुल बिल्कुल 100% अपमानित किया गया, और अगर उन्हें जनता के बीच ला दिया जाए तो उन्हें कुछ कुछ कर मार डालेंगे जनता, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। और आप कह रहे हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अगर मस्जिद बनवाना चाहिए, तो ऐसा कदापि भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह जो सत्य बात होती है वो आज हो कल हो लेकिन होना ही होना है। कुछ लोग हैं वो मुस्लिम पक्ष से भी कह रहे हैं कि अगर फैसला हमारे मस्जिद के फेवर में आता है तो हम जमीन देने को तैयार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर का फैसले में सुप्रीम कोर्ट फैसला राम मंदिर के लिए देता है तो हम उस पर बोलेंगे नहीं, हम कुछ उस पर विचार विमर्श करेंगे और सोचेंगे कि अब हमें आगे क्या करना है। नहीं देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ दिन पहले न्यूज पे हम लाइव देखे थे कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने राम मंदिर को बनवाने के लिए कुछ रुपया के साथ साथ वो ईंट लेके आए थे जो वहाँ पे राम मंदिर बने, तो कहीं ना कहीं ये दो चार जो है ना आदमी सब 2-4% ऐसे आदमी है जो देश को मतलब इधर उधर ही समेटे रखे हुए रहते हैं, इनके आर्थिक स्थिति में भी देखनी चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे 100% राम मंदिर बननी ही चाहिए। आपको क्या लगता है राम मंदिर की जगह क्या बनना चाहिए, राम मंदिर बना दें या बाबरी मस्जिद या हॉस्पिटल? नहीं, राम मंदिर बनना चाहिए, राम जन्मभूमि है, राम लला के जन्म स्थल है, तो वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, वो 100% सच्चाई है, इसमें कोई भी बात इधर उधर करने का कोई अफसाने नहीं आता है। तो कुछ लोगों का विचार ये है कि मुस्लिम पक्ष भी कह रहे हैं कि अगर बाबरी मस्जिद में अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना देता है तो हम राम मंदिर के लिए जमीन दे देंगे। देखिए, जहाँ तक बात है कि मुस्लिम हिंदू कोई ऐसा नहीं चाहता, जनता कोई नहीं चाहती, कुछ ऐसा छन चुनिंदे चस्लू नेता हैं जो देश में जनता को भड़काऊ बातें कर कर जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं, ना मुस्लिम है ना ही मुस्लिम ही कुछ ऐसे परसेंट हैं जिन्होंने बोला है कि वहाँ राम मंदिर बने, उससे हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदे क्या है अपने देश में ऐसे नेता पैदा हो गए हैं जो हमेशा क्या चाहते हैं, जनता हमेशा गुमराह होते रहे, जनता को गुमराह करने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। तो राजीव धवन ने 1810 का जो अयोध्या का मैप था उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाड़ दिया, एक तरफ कोर्ट का अपमान भी किया, संविधान का अपमान किया। राजीव धवन में इंसानियत खत्म हो गई है, उनमें इंसानियत नहीं रह गई है, उनमें पूरी तरीके से समझिए कि वो हिंदू हैं ही नहीं, वो दोगला किस्म के इंसान है, दोगला किस्म के इंसान कुछ भी कर सकता है। तो क्या लगता है कि हिंदू समाज को उस पर एक्शन लेना चाहिए? कुछ 100% एक्शन लेना चाहिए, अगर हिंदू के राम मंदिर के पक्ष में आता है तो निर्णय उसके बाद वो खुद अपने आप में वो शर्मिंदे हो जाएगा, अगर इंसानियत उसमें होगा तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। क्या लग रहा है कि अब के दीपों वाली दीपावली अयोध्या में मनाई जा सकती है? 100% इस बार जो दीपावली होगा पूरे इंडिया में सबसे बड़ा दीपावली होगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हर बार की दिवाली ऐतिहासिक होती है जब से भाजपा आई है, क्या लगता है इस बार की दिवाली ऐतिहासिक ही होगी? हम आप जानते हो 5 साल से तो चल ही रहा है, अभी ऑलमोस्ट चल रहा है, केस चल रहा है, कर देंगे अभी भी कर देंगे, केस चल ही रहा है उनका, राम मंदिर बनना है, बनेगा, अब बनेगा, कल बनेगा, केस जीत गए, अभी बनेगा। क्या लगता है आपको कि राम जी का वनवास खत्म होगा इस साल? ऑलमोस्ट आप देख लेना 3 साल तक चलता रहेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, आपको लगता है कि 3 साल तक केस चलेगा? आपको लगेगा? सर आपका क्या कहना है? सर का कहना है कि ऐसा इनका कहना है कि अभी ये जो केस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 23 दिनों के बाद राम मंदिर पर फैसला आ जाएगा, ये जो विवाद चल रहा है जमीन को लेकर, क्या लगता है आपको? सर का कहना है कि ये 3 साल और चलेगा अभी? देखिए, सबसे पहली बात, जो रंजन गोगोई सर जो हैं वो बहुत ही अच्छा और सही फैसला लेते हैं, बात यहाँ पे छोटे कम्युनिटी या फिर जैसे अभी से उस एक आदमी ने कहा कि बड़ा कम्युनिटी मुट्ठी भर, ये सब बात मैटर नहीं करता है, हम लोग नए लोग हैं, हम लोग मैटर नहीं करता है कि बड़ा छोटा कोई मतलब नहीं है, मेन है
कि वहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बेटर ये नहीं कर क्या पहले था क्या आज है, मेन ये होना चाहिए। अभी आज का जैसे हम नए सिनेरियो ये है कि जो चीज़ ऐसे देखो, ऐसे उन्होंने एक चीज़ उन्होंने सही कहा कि ये मेंशन है ऑलरेडी कि राम जी वहाँ जन्मे थे, सालों से पुराणों में वेदों में ये मेंशन है ऑलरेडी, तो वहाँ पे वो चीज़ होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि उसके लिए बाकी जो दूसरी कम्युनिटी है जिसको कहे छोटी है, क्योंकि उन लोगों के पास यही तो मुद्दा है कि हम छोटे हैं, हमें सिर्फ सप्रेस किया जा रहा है। वो लोग तो यही कहते हैं ना कि हम लोग छोटे हैं, हम लोग सप्रेस किया, लेकिन बात यह छोटे बड़े के नहीं है, यहाँ पे चीज़ है क्या सही है। जैसे अब जैसे जैसे अब मक्का मदीना है वहाँ कोई नहीं कह रहा ना, वहाँ पर शंकर जी की मंदिर थी तो शंकर जी का बनवा दो, ये कोई नहीं कह रहा है ना। वहाँ पर वो कम्युनिटी थी, उनके भी ग्रंथों में उनके कुरानों में सब मेंशन है, तो वहाँ पे सही है। जिस तरह यहाँ पे मेंशन, अब बात आजकल किसी भी नौजवानों को बता दूँ मैटर नहीं करता है कि वहाँ पे मंदिर बने क्या बने, वहाँ पे अगर वो लोग वहाँ पे ना कोई बढ़िया कम्युनिटी सेंटर बनवाए थे ना मंदिर के साथ, तो लोग आजकल के नए लोगों को भी मंजूर है। लेकिन लड़ाई नहीं, बात यहाँ पे छोटे या बड़े आस्था को लेके क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे देश के इतने करोड़ जो 100 करोड़ जो लोग हिंदू उनको क्या लेके क्या कहना आस्था को लेके। आस्था बहुत अच्छी चीज़ है, हर किसी के अंदर होता है, लेकिन आस्था के नाम पे एक गलत चीज़ को अपने पीढ़ियों को सौंपना, अब मैं अब ये भी अपने पीढ़ी को सौंपूंगा कि भाई मुसलमान जो थे, डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं, कि वो लोग हम लोग को मंदिर नहीं बनाने देते हैं या हम लोग के दुश्मन हैं, तो वही ना समझेंगे, वही ना जानेंगे। तो बात आस्था एक अलग जगह है, बाकी मंदिर जो है वह बनना चाहिए, डेफिनेटली वहाँ मंदिर ही बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अवशेष पाए गए हैं। और इसी ये इतना घिना दिया गया इस चीज़ को बीजेपी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का अभी कहा कि कांग्रेस में नहीं हुआ, कांग्रेस में भी ये नहीं कहें काम नहीं हुआ, लेकिन बात ये नहीं कि कांग्रेस में अब काम नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे अथॉरिटी जो बैठी है, जो हायरार्की मेंटेन किया जा रहा है, वो उस पर्टिकुलर सही इंसान नहीं है। अभी मोदी जी के चक्कर में बीजेपी को जगह जगह वोट मिला है, कभी कोई सोचा है कि ऐसे ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे बीजेपी के ही ऐसे ऐसे सांसद हैं जो किसी काम के नहीं हैं, लेकिन राहुल जी के चक्कर में अच्छे अच्छे सांसद कांग्रेस के डूब गए हैं, लेकिन वो कांग्रेस में हैं, वो अपना व्यू नहीं दे पाते कि भाई इसी रीजन से कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी जी ने इस्तीफा की बात की है कि मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन उनसे छूटेगा नहीं, उनके बाप दादा को छूटेगा नहीं, जाहिर सी बात है वो तो अंदर से है, लेकिन ये देश के सवाल उनके बाप का देश तो है नहीं, तो वो छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए आज मोदी जी का जीतने का ये नहीं कि 123 करोड़ लोग बहुत ही संक्षम है या उनसे, उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था मोदी जी के अलावा, लेकिन ऐसे जगह भी, मैं बिहार के रहने वाला हूँ पश्चिमी चंपारण का, वहाँ पे एक से एक लोग हैं जो कि कांग्रेस में होते हुए भी एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो इस बार हार गए ड्यू टू मोदी जी का। आपसे जानना चाहूंगी, फैसला सुरक्षित हो चुका है, कुछ ही दिनों में फैसला भी आना है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया कितनी खुशी मैम। जैसे इन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये सब एक अलग मैटर है, बट हिंदू की जो हिंदू युवा है और हमारे लिए जो राम जी हमारे भगवान जो मैटर करते हैं, वहाँ मंदिर ही बनना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी लापरवाही है, इसमें सरकार की नहीं है, मैं कोई भी हमारे जो भी कम्युनिटी है, मैं जहाँ बैठता उठता हूँ वहाँ पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट से सहमत नहीं है, वहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट से सहमत नहीं है। हमारा हर शाम को ये कहना रहता है कि इनके जो जज है ये, मतलब इनका कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा उसका सम्मान करेंगे आप? मैम, जो हमारा हिंदू युवा संगठन है जो हमारे गांव में है, हम बस कुछ भी इन्होंने अगर आस्था के अदरवाइज कोई अगर फैसला देती है तो उससे हम संतुष्ट नहीं, बस हमारा एक ही एजेंडा है वहाँ राम मंदिर ही बनना, राम मंदिर ही वहाँ बनना चाहिए और इसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि इस देश में अल्पसंख्यकों को जैसे दी जा रही है व्यवस्था अदर देशों में नहीं है, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं है, और अल्पसंख्यक हमारे लेवल पे अगर यूएसए में बोलेंगे या क्रिश्चियनों के इसमें बोलेंगे तो वहाँ इंडिया जो है वो बहुत ही क्लियरिटी दे रहा है। और इसमें जो हमारी तरफ से राय है बस यही है कि वहाँ बस राम मंदिर ही बनना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं।